नमस्कार, मध्यान खबर को स्वागत करछु। मिनिमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। राज्य में समांतर स्थित संक्रमण, डीएमईटी सीबीके महांती सूचना कहले भयभीत हूँ ना। मृत्यु संख्या अन्य राज्य तुलन में कम, एपटे राज्यर 302 केन्द्र चली टीकाकरण। मेडिकल एडमिशन ना ठके 60 लाख ऊर्ध टा चलु अभियोग, अभियुक्त को बांधिला खंडगीर थाना पुलिस। बेंगलुरु एक मेडिकल ना लिखा ना हड़प करा टा। एसटीएफ हाथ में बाघ छाल बेपारी, बौद्ध्रु बाघ चमड़ा जबत सहित जड़े गिरफ। रासायनिक परीक्षा पर डेराडून पठागला छाल, बर्षे भितर जबत हो 14 चिताबाघ छाल, 9 हाथी दात। चर्चा केन्द्रापड़ा युवक महामारी करुले संघर्ष हेले छाड़ी नथिले पाठपढ़ा। मेडिकल परिदर्शन बेले जिलापाल इम्प्रेस करता अभिजित को इच्छा शक्ति, ट्विट कर प्रशंसा। भुवनेश्वर कोर्ट 7 दिन सिल, पॉजिटिव बाहर पर बीएमसी कटक आसंता 5 तारीख पर्यंत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बंद। देश में 3,70,000 पार दैनिक संक्रमण, आउ 3,645 जीवन नेला महामारी। महाराष्ट्र में स्थिति सबुठू संगीन, कर्णाटक में चली लॉकडाउन। कमी थिले भी डराउछि संक्रमण, राज्य में आज 6,998 पॉजिटिव चिन्हट। खोर्धा जिलार सर्वाधिक 919 आक्रांत, पछक रही कटक्र 517। एपटे बढ़ुछि मृत्यु संख्या, 12 मुंड नेला महामारी। एवं राजधानी चिंता, भुवनेश्वर घर घर बुली टेस्टिंग करिब 3 मोबाइल भ्यान। वयस्क लोक घर न आसी पारे टेस्टिंग अणाजीव स्वाब, सेपटे बढ़ला रैपिड रेस्पन्स टीम संख्या। राज्य में फ्लाटनिंग कर्व रे अर्थात समांतर भाव में रही संक्रमण स्थिति, अन्य राज्य तुलन में मृत्यु संख्या कम थी भयभीत होवार आवश्यकता ना। गत काली संक्रमित संख्या 8,000 थिला, आज यह 7,000 पाखापाखी रही, से कौन से पैनिक होवार आवश्यकता ना। अनेपटे अन्य राज्य तुलन में मृत्यु संख्या कम रही, जेकोसी परिस्थितर मुकाबला पर राज्य सरकार प्रस्तुत थी डीएमईटी निर्देशक सीबीके महांती। राज्यर 302 केन्द्र में टीकाकरण चली, 12 जिले में टीकाकरण बंद रही। गत काली 90,000 कोविशील्ड मिली, आज सब् जिला प्रदान करा। गत काली 469 केन्द्र में 43,853 टीका नहीं, आज जाए समुदाय 57,48,769 टीकाकरण हो। वर्तमान आम पाखे 1.19 लाख कोविशील्ड एवं 3.46 लाख कोवैक्सीन रही। टीका कम थ 12 जिले में बंद हो टीकाकरण। 1.2 कोटी सर्वभारतीय स्तर में 18-44 वर्ष पंजीकरण करछन्ती। कंपनी माने आमको किछ उत्तर देना, आज आशा करछु कंपनी माने आमको टीका ने सूचना देबे। जदि काली टीका आसीबो आमे मे पहिलारु आरंभ करि पारिबो, नहले देरी हेबो बोली कहछन्ती विजय पाणिग्राही। आज 302 केन्द्र रे टीकाकरण चालिबो एवं 12 जिले रे टीकाकरण आमर आज बंद रहिछि। सेगुडी कहला बालेश्वर, भद्रक, बौद्ध, कटक, जाजपुर, झारसुगुड़ा, केन्द्रापड़ा, केउंझर, खुर्दा, कोरापुट, मयूरभंज, पुरी, खोर्धार किंतु भुवनेश्वर में आम टीकाकरण कार्यक्रम चालू रही। आम गत काली 90,000 डोज कोविशील्ड आम पाइछु, से गुड़ाक आज आम सब जिला को डिस्ट्रीब्यूट करदेबू एवं जोटा कि काली आम टीकाकरण कार्यक्रम सब जिले में हो पार। गत काली आम 469 टीकाकरण केन्द्र में टीका दि जाइला, जो थी कि आम 43,853 जन व्यक्ति को आम टीकाकरण करूँ। सो समुदाय टीकाकरण आज को मिसेक 57,48,769 डोज एति टीका दिया सारी, आज बर्तमान टीकाकरण कार्यक्रम जारी रही। गत कालीर 90,000 कोविशील्ड डोज को मिसई टोटाल आम पाखे 1.19 कोविशील्ड टीका अच्छी, 3.46 कोवैक्सीन टीका अच्छी। तेणु भुवनेश्वर में अनवरत भाव आम टीकाकरण कार्यक्रम चालू रही, किंतु जिला गुड़ाक जेहेतु कोविशील्ड टीका आम कम अच्छी, तेणु 12 जिले आज बंद रही। मेडिकल एडमिशन ना ठके, भुवनेश्वर आसला सांघातिक अभियोग। मेडिकल ना लिखाई देवा कही 60 लाख चलू ठकेर शिकार होगा, संपृक्त व्यक्ति जनक खंडगीर थाना एतला देते। यापर खंडगीर थाना पुलिस घटनार तदंत कर अभियुक्त को गिरफ्त कर। अभियुक्त जनक है देवाशिष मुखार्जी, बेंगलुरु एक मेडिकल एडमिशन कराई देवा कही अभियुक्त जनक टंका हड़प कर।
संपर्क में अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि संतोष जेना। संतोष, एभली समय रे जो समय रे लोक माने जीवन जीविका सहित लड़ुचंती सेतेबेले किंतु ये जो दलाल माने रहिचंती बेस सक्रिय रहिचंती लोकों को ठकी केमिति कम समय रे पैसा रोजगार करि पारिबे से फॉर्मूला बेस एमान को जणा जो हिसाब रे मेडिकल रे माने ना लेखाइबा कथा कोई 60 लाख चलु केमिति हला आरो चेर के लंबिची ना ये एका संप्रुक्त ना पचरे बहुत मते लोक रहिचंती हिसाब निर्भर आप जानते जे शिक्षा दलाल अर्थात कौटि एडमिशन करदेगा क्या कौटि सीट करदेगा किए कौटी डोनेसन देखिए साहय बोध हुए गोटे कौनसी कोटार सीट करदेगा एमती अनेक प्रकार कथा कह जाए अनेक प्रकार विषय या पूर्व सामना को पर्टिकुलर ये घटना जड़े जे अच्छा जे जड़े मेडिकल कलेज अभोग मेडिकल कलेज एडमिशन करने चेस्टा करते बांगालोर एक मेडिकल कलेज एडमिशन करने देवाशिष मुखार्जी कही जो मेडिकल कलेज रुदी आप पास आउट करहत भाव में भल कैंपस पाए आपको अनेक गुड टंका दे बाबद बर्तमान सुधा जहाँ पुलिस सूचना मिलू 60 लक्ष टा पाखु ये देवाशिष मुखार्जी आनी बेंगालुरु एक प्रतिष्ठित घर मेडिकल कलेज एडमिशन दवा कथा कही भितर जितेबाला एडमिशन दवा कथा कहला 60 लक्ष टा ना सीट रे कौन प्रकार यार जे अभोगी अच्छी सीट मिलला ना ता ना किसी आलर्ट होता कथा देखाला सीटू किसी परिचित लोक लगेला जे कलेज तार ना अच्छी ना कि भाया किसी देखालानी आज का जितने बुलेला खंडगिरी थाना गोटे अभोग कराला देवाशिष मुखार्जी को बंधाला और सबुठ आश्चर्य कथा अच्छे देवाशिष मुखार्जी 60 लक्ष टा अभोगी मैंने एमती अनेक गुड़े दलाल कम से करक गुड़े लोकं से जोड़ी अनेक लोकों से टा आदाय कर आश्चर्य कथा हूँ दुई दुईट आकाउंट देवाशिष मुखार्जी गोटे आकाउंट 232 टा आउ गोटे आकाउंट 84 टा प्रकृत में एत टा से नहीं रखा कौटी क्या या पचरे आउ किए किए अच्छे किए प्रकृत में किए मेडिकल कलेज एडमिशन दे पार्ला कि सीट करई पार्ला कि जदई करई पार्ला किए के परसेंटेज नौला और घर कलेज मेडिकल कलेज गुड़िकर कौ कौ अधिकारी मैंने सहित संपृक्ति अच्छा किभली भाव से नेटवर्क बिछाऊ किभली भाव में लोक मूँ जो मानकर टैलेंट ना अर्थात जो मैंने सीट पाया योग्य नुह योग्य विवेचित करदेपाई जो टा हेरफेर घटना होती या पचरे किए किए अच्छे एम प्लानिंग कौन अच्छी ये सब विषय में बर्तमान खोलताड़ करु आज देवाशिष मुखार्जी को गिरफ्त कर सारापर ताक आज कोर्ट फरार कराई नीलवा तो बर्तमान जदि संतोष अन्यपट देखे कोर्ट तो फरवर्ड कराई कथा उठू केते दिन ठारू कार्य करा प्रथम थर पर करा आ पचर किसी अंतराष्ट्रीय जदि आम कह कि रैकेट रही कि जमीती जिला मानने राज्य बाहर को यार लंबी कि ना केवल ए भुवनेश्वर भितर ही सीमित रही कारण अनेक निरीह पिला भाव में मैंने फसुंच देखु देवाशिष मुखार्जी हूँ पेशागत वृत्तिगत भाव में यह कार्य से करे आप जानते मेडिकल कलेज साधारणतः गरीब निरीह पाला पिला पाठ पढ़ाई साहस करते जदि किए पाठ पढ़ा को इच्छा करे से गवर्नमेंट रु लोन नौ सरकारी मेडिकल कलेज पाठ पढ़ाई चेस्टा कर विशेष भाव में देवाशिष कार्यकलाप रु जहां जमापड़ी ये बड़ बड़ जगार हाथ मारे अर्थात हाथ सफाई करार जगह से प्रथम सिलेक्ट करे जे कौ बड़ लोक अर्थात किए पैसा वाला पाखे कहार छुआ अच्छी ता पु को डॉक्टर करिवो ता पु को झी ता झी को डॉक्टर करिवो एवं सबुठ आश्चर्य कथा होती मेडिकल कलेज एडमिशन देवा सहित पास करवा ठू नहीं कैंपस पर्यंत सबुर ग्यारंटी ये दौला ग्यारंटी देवा बेले किए के भी लोक निज पिलार भविष्य विमोहित होता पाखे पिलापढ़ा रखा नहीं टा या हाथ को टेकी दौले कि स्थान में सफलता नहीं अर्थात किसी स्थान में जोटी 60 लक्ष आनी कौटी 40 लक्ष काम कर 20 लक्ष रखी एथर कितु संपूर्ण भिन्न कथा है देवाशिष मुखार्जी गोटे पर गोटे काम और जो अनुष्ठान गुड़िक सहित से जोजग करवर्त मुहूर्त से अनुष्ठान गुड़िक देवाशिष को भरोसा करना जो कि ये जो व्यक्ति जो अभोगी पैसा नहीं तार एडमिशन हो पारानी और ये 60 लक्ष टा ये निजे चलू करदेला गोल करदेला जो कि बेंगालुर एक घर मेडिकल कलेज एडमिशन दे पारा ना जो कि थाना अभोग करापर अभोग पर खंडगिरी थाना पुलिस पचे पचे जा आजिका बाहर पर बंधाई निहत भाव में अगर सब घटना बर्तमान समय तदंत चलती हम आज फरवर्ड कराई विषय किसी तथ्य जना पड़ो जदि दरकार भी पड़े आगामी दिन में रिमांड आनी पुलिस पचराउचरा कर थाना अधिकारी पक्ष सूचना मिली बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इरेटलाम प्रतिनिधि संतोष जेना।
एसटीएफ हाथरे बाघजाल बेपारी बौद्ध जिलारु गोटे बाघजाल जब सहित जनको गिरफ करछि एसटीएफ बाघजाल डील बेले बेपारी बेसरे माड़ी बसला एसटीएफ जबत बाघजाल को रासायनिक परीक्षा पई डेराडून पठा जाइछि तबे गत एक वर्ष हेबो एसटीएफ 14 चिता बाघजाल 9 हाथी दांत 2 हरण चमड़ा 3 जीवंत अवज्रकाप्ता जबत करछि या सहित 27 जन गिरफ होइछन्ति बर्षे मध्यरे एसटीएफ 15 मामला रुजु करि तदंत करछि। संबलपुर जिला को पुणी फेरला कंटेनमेंट और बफर जोन। संबलपुर महानगर निगम हीराकुद E2 ब्लॉक और हिंडालको कॉलोनी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषणा करा जाई छे। या सहित 9 स्थान को बफर जोन घोषणा कर प्रशासन से भी जुजुमरा को माइक्रो कंटेनमेंट और 5 स्थान को बफर जोन घोषणा कर सहित जुजुमरार डंगापाल ग्राम को मध्य कंटेनमेंट जोन घोषणा कर। संबलपुर जिला प्रशासन जुजुमरा और हीराकुद अंचल दिनक दिन कोरोना आक्रांतों संख्या बढ़ी चलता बेले एभली कटक लग जा। बीएमसी पक्षरु नियारा प्रयास राजधानी रे घर घर बुली टेस्टिंग करिवो मोबाइल फैन। वयस्क लोक घर न आसी पारले तांको पाखकु जे टेस्टिंग पई अणाजिवो स्वाब। राजधानी रो 3 जोन रे 3 फैन रहिवो। वयस्क लोक घर कोविड टेस्टिंग पई आसी न पारले तांको पाखरे पहुचिवो फैन। वर्तमान दिनकु पाखाबाकी 30 घर कवर करछि ए फैन। घरे घरे बुलुथिबा आरआरटी टीम एवं लोके खबर देबा परे बीएमसी रे गोटे दिन पूर्वरु लिस्ट देउछि। सेही हिसाब रे मोबाइल फैन घर घर बुली स्वाब संग्रह करछि। चर्चा रे केन्द्रापड़ार अभिजित कोरोनारे आक्रांत पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट पई प्रस्तुति चलाइथिले। मेडिकल थिबा बेले आगोकु परीक्षा थिबारु पाठपढ़ा जारी रखिथिले जहाकि एमकेसीजी मेडिकल परिदर्शन जाइथिबा जिलापालंकु इम्प्रेस करथिला। कोविड संक्रमित होई चिकित्साधीन अवस्था रे थाई चार्टर्ड अकाउंटेंट पई प्रस्तुत करथिले युवक। गत शनिवार ब्रह्मपुर कोविड हॉस्पिटल परिदर्शन जाइथिले गंजाम जिलापाल। ए समय रे अभिजित बही खाता धरी पाठ पढ़ुथिबा नजर पड़िथिला। परे एहाकु ट्वीट करी युवकंकु भूरी भूरी प्रशंसा करथिले जिलापाल। युवक जनक केन्द्रापड़ार अभिजित बारिक से आंध्रप्रदेश कुंठोरे रही पाठ पढ़ले परे सेठार संक्रमण बढ़िबारु सांगमानक सहित ब्रह्मपुर चली आसिथिले। परे ब्रह्मपुर कोविड पॉजिटिव चिन्हट परे एमकेसीजी रे भर्ती होइथिले। एबे अभिजित सुस्थ होइथिबा बेले आज मेडिकल रु डिस्चार्ज हेबे। सात दिन पई भुवनेश्वर रो कोर्ट सील। कोविड पॉजिटिव बाहर पर कोर्ट को सील करछि बीएमसी। आजिठू आसंता 5 पर्यंत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को बंद करा जाइछि। राजधानी रे दिनक दिन संक्रमण संख्या बढ़ी चलता बेले गोष्ठी संक्रमण स्थिति देखा दैछि। एभली स्थिति रे बीएमसी पक्षरु कटकणा आहुरी कड़ाकड़ी करा जाइछि। कोरोना संक्रमित चिन्हट पर झारसुगुड़ा कोर्ट कॉम्प्लेक्स को 7 सील रखा जाइछि। गत 26 मे 2 पर्यंत झारसुगुड़ा कोर्ट रो विचार विभागीय परिसर बंद रखा जाइछि। झारसुगुड़ा कोर्ट परिसर रे अनेक कोरोना संक्रमित चिन्हट पर जिला दौरा जज जारी करथिबा निर्देशनामा 188 अनुसार कोर्ट परिसर को सप्ताहे पई बंद करा जाइछि। अनेपटे जिलापाल निर्देश क्रमे झारसुगुड़ा कोर्ट को माइक्रो कंटेनमेंट जोन मध्य घोषणा करा जाइछि। जरूरी सुनानी गुड़िक वर्चुअल तथा ऑनलाइन माध्यम रे करबा को निर्देश दिया जाइछि। देश में दैनिक संक्रमण 379,000 अतिक्रम कर पूर्ण रिकॉर्ड सृष्टि कर। आज 379,257 पॉजिटिव बाहर। एस भारत में मोट संक्रमण मामला 1,83,576। 3,645 जन जीवन निछि महामारी। यह मिसाई मृत्यु संख्या 2,04,832 पहुंची। से भी गत 24 घंटा मध्य 2,69,507 आक्रांत सुस्थ हो फेरवा सहित समुदाय सुस्थ संख्या 1,50,86,878 पहुंची। सेपटे राज्य में बढ़ुच्च दैनिक कोरोना मृत्यु संख्या। आज आउ 12 मुंड निछि महामारी। खोर्धार सर्वाधिक 4 आक्रांतों मृत्यु होता बेले पुरी और रायगड़ 2 प्राण हर। अनुगुल कटक केन्दुझर और सुंदरगढ़ जड़े लेखाएं मृत। सेपटे राज्य में आज 6,998 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 919 पजिट बाहर। कटक्रु 517, सुंदरगढ़ 474, नुआपड़ 420, अनुगुल 325 आक्रांत चिन्हट होती। सेपरी बालेश्वर 97, बरगड़ 330, भद्रकु 91, बलांगीर 236, गजपतिर 121, गंजामु 128, जगत सिंहपुर 104, जाजपुर 226, झारसुगुड़ 396 आक्रांत चिन्हट होती। कलाहांडी 292, केन्दुझर 160 आक्रांत चिन्हट होता बेले मयूरभंज 308, नवरंगपुर 255,
ନୟାଗଡ଼ରୁ 121, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 420, ପୁରୀରୁ 288, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 181, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 323 ଏବଂ ସୋନପୁରରୁ 131 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। राजधानी भुवनेश्वर में बढ़ुच्च संक्रमण यह दृष्टि रखी रैपिड रेस्पन्स टीम संख्या वृद्धि कला बीएमसी 67 वार्ड पर 67 आरआरटी नियोजित होती पूर्व यह संख्या 49 रे सीमित थिला। प्रति टीम रे जने डाक्तर और जने स्वास्थ्यकर्मी सामिल रही टीम गृह संग्रोध होम आइसोलेशन संक्रमित निकट को जा स्वास्थ्य परीक्षा स्वास्थ्यगत तथ्य संग्रह सहित परामर्श और औषध बंटन करेंगे। से ही बीएमसीर तीनि जोन में तीन जन लेखाएं स्वतंत्र मेडिकल ऑफिसर निजुक्त होते अनलाइन लोकों समस्या समाधान दिगरे माने सहायक हे। भुवनेश्वर गोष्ठी संक्रमण होता जमापड़ा पर एनफोर्समेंट को त्वरान्वित करने सहित प्रतिकार व्यवस्था पर गुरुत्व दि जा पुरी जिला अस्तरंग ब्लॉक नुआगड़ पंचायत बात्या आश्रयस्थली बेआईन पार्क निर्माण जहाँ नहीं साधारण असंतोष देखाई। राज्य सरकार ग्रामीण पार्क गाइडलाइन आधार पंचायत निजस्व जगार पार्क निर्माण होगा आवश्यक किंतु एठार गाइडलाइन खुलमखुला उल्लंघन हो साधारण असंतोष देखाई। आज्ञा 16 1999 मसीह तत्कालीन कलेक्टर रेडक्रस नाम गोटे एकर संपत्ति कर किंतु से ही जगह बेनियम भाव में ग्रामीण पार्क निर्माण कराक आम विभिन्न महल में अभियोग करने सहित डॉक्टर लक्ष्मीन्द्र विश्वाल पिटिशन देते धारण में बसीलु अद्यावधि तार कौन कार्यानुषान निगला ना यार देखा मिलूँ। अस्तरंग ब्लक चेयरमैन हाथ बारिशी साजिंट अस्तरंग विडीओ एवं तहसिलदार जहाँ तत्वावधान में मिलमिशिक रूराल पार्क रु लक्ष लक्ष टा स्काम करवा चक्रांत मैंने अड़ बस अभियोग कले कि शुणुना बलांगीर भीमबोई मेडिकल अव्यवस्था कोविड आइसोलेशन वार्ड में अणकोविड व्यक्ति तथा रोगी संपर्क मैंने एटेंडेंट भाव रोगी को देखाशुना कर बलांगीर प्रहलाद कुमार होता नामक जन व्यक्ति एभली अभियोग आनी प्रहलाद बापा कोविड पॉजिटिव चिन्हट पर बलांगीर भीमबोई हस्पिटाल आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होते मात्र आइसोलेशन वार्ड में डाक्तर और नर्स बदल रोगी संपर्क मैंने एटेंडेंट भाव देखाशुना कर अनुगुल आठमल्लिक अव्यवस्था कोविड टेस्ट हो पार नथिबारु लोके हंतसंत होती। अनुगुल आठमल्लिक उपखंड मुख्य चिकित्सालय रे कोविड टेस्ट हो पार नथिबारु लोकों को निराश होगा पड़ी जहाँ को नहीं साधारण असंतोष देखाई। मुझे कोविड टेस्ट बहुत थर चार थर पांच थर आठमल्लिक सब डिजन हस्पिटाल जाइली से गले डाक्टर कहते ये आम टेस्ट होटाफ ना विभिन्न प्रकार आल देखा स्टाफ छुट्टी अच्छा आसवे आसिले जे पलैले से अलग कम अच्छे अलग ड्यूटी अच्छे एम कह बहुत प्रकार आल देखते आठ 15 किलोमीटर दूर माधवपुर हॉस्पिटल को पठाउँ एत करोन एत लोक मरुँ हजार हजार लोक मरुँ यही टाइम कोविड सिचुएसन जहाँ कि टेस्ट सब जगार आवेलेबल होगा दरकार कोविड टेस्टा कि जगह आठमल्लिक गोटे सब डिजन हस्पिटाल लेकिन प्रशासन किसी तत्परता ना कि हस्पिटल चिकित्सा विभाग किसी ये दायित्व ना मत दिन है थंडा ज्वर काश धाई लगुच तंटी पीड़ा हो सर कहे तंटी पीड़ा हूँ देह काश हो सब सार कहे मेडिसीन खाओ तापर देखा मेडिसीन खाइए टी कि मुझे टेस्ट करापे चाहूँगी ना सार तो कहले मेडिसीन खाई दिदिन देखा मेडिकल सर्टिफिकेट पाई 200 टंका कलाहांडी जूनागढ़ ब्लॉक अंतर्गत चारबाहल नूतन उपस्वास्थ्य केन्द्र डाक्तर विरोध में आसला अभियोग डाक्तर जनक मेडिकल सर्टिफिकेट पाई 200 टंका नेउथुबार वीडियो एबे वायरल होबा लागिछि। आरटीओ ऑफिस रे ट्रांसपोर्ट लाइसेंस पाई आवश्यक स्वास्थ्य सर्टिफिकेट पाई मोतियालगुड़ार भूपेन्द्र छत्रियंक ठारु डाक्तर टंका नेउथुबा वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल होइछि। चारबाल गवर्नमेंट मेडिकल रे मुई सर्टिफिकेट गोट लगे साइन मारवा पाई आइथिलि मेडिकल किट सर्टिफिकेट साइन मारवा पाई आइथिलि किने डॉक्टर ने कि गला को नहीं कि साइन कर देबो होला कि पैसा मांगले 200 टंका मांगले गोटे साइन पाई तापर दुईटा कर देबो होला कि 400 टंका देबो बोल नहीं कि दुईटा करबी बोले तो मोर पाखरे आज्ञा पैसा तो नहीं थी ना तो से मन के कहले जे आज्ञा 200 टंका नियो आरो साइन मार दियो दुईटा बोला को से मने
କିଛି ସାଇନ୍ ନେଇ କରେ ଯହ ପଇସା 400 ଦେବ ବୋଲି ଆଗେ ସାଇନ୍ ମାରିବି କହିଲାକୁ ପଳାଇ ଆଇଲି। କେନ୍ ଡକ୍ଟର? ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହାଣୀ ସାର୍। ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହାଣୀ ସାର୍ ସେମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବି ଆଜ୍ଞା 2-3 ପାଖରୁ ପଇସା ନେଲେ, ଗୋଟେ ରୋଗରୁ 1600 ନେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ 100 ନେଲେ। ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସାର୍, ଫ୍ରିରେ କରବାର କଥା ନା, ସେମାନେ ପଇସା ନେଉଛନ୍, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେଉଁଠି ମହିଳାଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚୁଆରୁ ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁଲସରା ଓ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟ। ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ଚିନ୍ତା, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ। ସକାଳ ହେଲା କ୍ଷଣି ନଳକୁ ଆଗରେ ଲାଗୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ବାଲ୍ଟି ଗରା ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚୁଆ ହିଁ ଭରସା, ଚୁଆର ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ଚିନ୍ତା, ସକାଳ ହେଲା କ୍ଷଣି ନଳକୁ ଆଗରେ ଲାଗୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ କିଭଳି ବାଲ୍ଟି ଗରା ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଏହେଉଛି ପୋଲସରା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ 13 ୱାର୍ଡର ବଡ଼ ହରିଜନ ସାହି। ଏ ସାହିରେ 50 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହରିଜନ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 20 ଧରି ରହିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିର ସୁବିଧା ପାଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ହରିଜନ ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ପାଣି କିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଜଉଡ଼ି ଗଲେ କୁକୁର ଘଉଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ପାଖକୁ ପାଣି ଅଫିସ 50 ଗଲୁ, ଲେଖିକି 4 ଦେଲୁ, କେହି ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଘର ରହିଗଲେ, ସେଠୁ ଅଫିସର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜଗିଲୁ, ଏନ୍ଇସି ଆସିଲୁ, ଏନ୍ଇସି ଆସିଲା, ଏନ୍ଇସି ଅଫିସର କହିଲେ ଯେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି, ଜହରି କହି ଆମକୁ ଘଉଡ଼ି ଦେଲେ। ସେଉଠୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସି ତ ଘର ଅଛୁ, ଆମକୁ ଯଦି ପାଣି ନ ଦେବେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ଏତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଆମ ସାହିକି ଜମା ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛୁ, କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିବୁ। ଏମ୍ଏଲ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ ଆଜ୍ଞା ବି ନାଁ ଶୁଣିଲେନି, କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ପଳେଇଲେ ସେମିତି କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ବି ଶୁଣିଲେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆମ ସାହିକି ଆସିବ, ଆପଣ ସେତିକି କରିବେ। ସେଇ ସମାନ ଅବସ୍ଥା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଜାଗୁଗୁଡ଼ା ଡେରକା ଗ୍ରାମରେ। ଗାଁର 60 ପରିବାର ପାଇଁ ରହିଥିବା 3 ନଳକୂପ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୁଆର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ପାଇପ୍ ନଥିବାରୁ ନଳକୂଅର ମରାମତି ହୋଇପାରୁନଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ କହିଥିବା ବେଳେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନଳକୂଅ ମରାମତି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗାଁ ବିଡିଓ। ଦେଖା ଗାଁରେ ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଅସ୍କରା ପାଣି ଯାକ ପିଉଛୁ, ସାପ ବେଙ୍ଗ ଯାକ ମୋତେ ଦେଉଛି, ମରି ଯାଉଛି, ସେଠି ସେମିତି ପାଣି ପିଉଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯାକ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଏମିତି କୁଣ୍ଡିଆ ଯାକ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ପାଣି ପିଉଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତିନିଜଣ ସରପଞ୍ଚ କହିଲାକୁ ହଁ ଆଣିବୁ ସିନା, କହିଲା ସିନା କେ ଆଣିଦେଲେ ନା ପାଣି, ଦେଖିଲେ ସିନା ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ। ରିପୋର୍ଟିଂ ଆସିଛି, କାଲି ଆସିଛି ରିପୋର୍ଟିଂ, 48 ଆୱାର ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଗତକାଲି ଏକ ପକ୍ଷ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ନଳକୂଅ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲିକି, 48 ଆୱାର ଭିତରେ ରିପେୟାରିଂ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ନେଇ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାସ୍ତବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ପୋଲସରାର ବଡ଼ ହରିଜନ ସାହି ଓ ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଜାଗୁପଡ଼ାର ଡେରକା ଗ୍ରାମକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର।